बाकी मार दे ये वो के मारोगे सबसे निकम्मी सरकार है बीजेपी की। मतलब जितना जुमला है बीजेपी उतना बीजेपी राज्य है, एक नंबर का रावण राज। लखनऊ से महज 266 किलोमीटर दूर फिरोजाबाद, मैनपुरी, अलीगढ़, आगरा, फर्रुखाबाद से घिरा हुआ एटा जिला, जहां आज हमारी कुर्सी कनेक्शन की टीम पहुंच चुकी है। युवाओं के लिए तो बिल्कुल भी सोच नहीं रही है ये सरकार। हर परीक्षा में धांधली हो रही है, कोई परीक्षा ऐसी क्लियर नहीं हो पा रही है। महंगाई बहुत है साहब, महंगाई, गरीब आदमी कबर तोड़ दिए महंगाई। योगी जी ने साफ कह दिया है रात तो रुकेंगे नहीं। पहली बात मेरे यहाँ पे चूल्हे पे रोटी हो रही है, सिलेंडर के लिए पैसे नहीं है, नहीं है, कतई नहीं है। महिला सुरक्षा रेप हुआ उसके बाद में वहाँ पे जाके रात में अधिकारियों ने उसे मतलब जलवा दिया गया। किसानों के लिए कर रही है तो खुश हुआ, हमारा जो कर्ज माफ क्यों नहीं हुआ। नमस्कार, मैं दिव्यांशु और KIA के खास प्रोग्राम कुर्सी कनेक्शन में आपका स्वागत है। कुर्सी कनेक्शन आज पहुंच चुका है जनपद एटा में। एटा के बारे में आपको बता दें कि यहां पर चार विधानसभा सीटें हैं, जिनमें चारों विधानसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी के खेमे में गई हैं। और सांसद की बात करते हैं तो यहां पर सांसद भी भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं। यहां पर हमारे साथ कुछ जनता है, उनसे राय जानेंगे कि अब की बार वो किसकी सरकार बनाने के इच्छा में। क्या नाम है आपका? नितिन गुप्ता। क्या काम करते हैं? रेडी लगाते हैं, पेटा स्टडी भी करता हूँ। अच्छा, तो अब की बार क्या क्या लगता है, आपने जो वर्तमान में सरकार है उसने काम किया है, विकास किया है? सब कुछ किया है। आना बीजेपी आपके है। एटा जनपद में क्या क्या आपको लगता है कि क्या क्या विकास हुआ है? पावर प्लांट बना है, हाईवे का निर्माण हुआ है, और भी चीज़ें वो धीरे धीरे सुधरेंगी, जो पहले नहीं हुआ, जो कुछ हुआ वो होगा। यहाँ पर आपने देखा, आप नज़दीक यहाँ बस स्टैंड के बाहर ही आप अपना ये ठेला लगाते हैं, तो यहाँ पर बस स्टैंड का विकास कब से नहीं हुआ, आपको कुछ अंदाज़ा है? इसका तो मुझे भी नहीं पता, क्योंकि मैं अभी आया हूँ बस स्टैंड के पास, देखा तो काफ़ी गड्ढे हैं, बसें पानी में से गुजर रही हैं। आप कह रहे हैं विकास हुआ है, तो मुझे तो समझ में नहीं आता कि विकास हुआ है। क्या कहना चाहेंगे? कुछ कह नहीं सकता इसके बारे में तो मैं भी नहीं। आप कह रहे हैं विकास हुआ है, तो मैं वो जानना चाहता हूँ। विकास हुआ है लेकिन अब होगा धीरे धीरे। 20 लाख करोड़ रुपए आज ही 10वीं किस्त जारी की है, प्लस गरीबों को राशन, तेल, चना, जो आज तक कभी किसी सरकार में नहीं हुआ वो सबको मिल रहा है। और रही विकास की बात, आप हाईवे पे चले जाइए, यहाँ जाम की कोई स्थिति नहीं बनी हुई है, प्लस मेडिकल कॉलेज जो मैं आपके कहीं मैं ज्यादा दूर नहीं जा रहा, आपके बस स्टैंड की बात करता हूँ। क्या कहते हैं बस स्टैंड कब से आपने बना हुआ देखा है, गड्ढे? मैं तो अभी देख के आ रहा हूँ। बस स्टैंड की बात यह है, दूसरा बस स्टैंड निर्माणाधीन है, यहाँ से पूरा सेंतरी आप थोड़े से आगे जाएंगे उस पर निर्माणाधीन है, वो जल्द ही उसका जीर्णोद्धार होने वाला है। दूसरी बात कहने का मतलब ये है कि मतलब जितना मतलब ये भाई साहब बोल रहे हैं कि जितना हमें सरकार दे रही है उतना हमारी गाय और मतलब बैल जो हैं छोड़े हुए वो हमारे खेत खा रहे हैं। गैस मतलब कितनी महंगाई हो चुकी है। क्या कहना चाहेंगे? गाय और बैल से लोग परेशान हैं यहाँ पर। जी गाय बैल, आप मेरे साथ चलिए, मैं अपनी बैग उठा के जा, मुझे कोई गाय या बैल अभी दिखा दीजिए। मैं अभी इसी वक्त ही, मैं पीछे की बात नहीं कर रहा, मैं प्रेजेंट टाइम की बात कर रहा हूँ। उनके लिए गौशाला बनाई गई है। गाय की बात कर रहे हैं, ये हिंदू धर्म में गाय कौन है? सबसे गाय की बातें कर रहे हैं, गाय कौन है? गाय हमारी माता है ना, तो ये गाय बैल की बात कर रहे हैं, वो भी तो जानवर है, ठीक है। आप मारते हो पहले, फिर पुचकारते हो आप, ये भी तो देखिए आप गाय को, जो गाय की तुम पे कैविया जमीन है, आपका कैविया जमीन है, आप पे कितनी है? हम पे तो है, तो है। निधि कौन ले रहा है? देखो मेरा मुद्दा ये नहीं है कि आप लोग लड़े आपस में, अपनी 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 पहले अपनी अपनी बात रखे। खेती में गाय छोड़ देता हूँ, एक बार तुम्हारी खेती में गाय छोड़ने के बाद तुम उसमें से अपने बच्चों के लिए नाश पैदा कर लोगे। बेरोजगारी मुद्दा है, बेरोजगारी 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 सबसे बड़ा मुद्दा है यहाँ पर, जो बीजेपी का पक्ष, जो बीजेपी का 2000 भैया जो मीटर लगाया घर घर बिजली का, बिजली चल रही है या नहीं चल रही है तभी बिल आ रहा है, ये क्या सिस्टम है? नहीं, बेरोजगारी की बात करते हैं, बेरोजगारी से काफी लोग परेशान है। आप थोड़ा सा आप इधर आइए, बेरोजगारी पर क्या कहना चाहेंगे? जी बेरोजगारी की बात ये है कि इस पिछले वर्ष पुलिस की भर्ती हुई 49,000,
प्लस 69,000 शिक्षकों की भर्ती हुई, 68,500 भर्ती हुई। माननीय सतीश द्विवेदी जो शिक्षा मंत्री है, उन्होंने 6,000 वैकेंसी उनके लिए आरक्षित कर दी गई है, ठीक है। और अगली भर्ती 17,000 अभी 10 तारीख को उसका कल जीओ जारी होने वाला है, प्लस उसमें जो भी टेट पास जो है। ये तो कह रहे हैं ये भर्तियां निकाल रहे हैं मोदी सरकार, एक भी पेपर मतलब एक भी परीक्षा मतलब फाइनल नहीं हो पाई इनकी, और जो अभी टेट की जो परीक्षा थी वो भी निरस्त हो गई, पेपर लीक हो गया, एक भी भर्ती सही नहीं हो पेपर पाई। लीक हो गया ये बात बड़, बहुत बड़ा हो गया। दूसरी बात पेपर लीक हो गया तो योगी जी ने थोड़ा गैप बना लीजिए उनको, मतलब पेपर जो लीक हुआ है उनके संज्ञान में जैसे ही पता चला, योगी जी अपनी सभा कर रहे थे, उन्हें तत्काल जो अपराधी हैं उनको जेल के सलाखों के हमारे साथ कुछ स्टूडेंट हैं क्या आप पढ़ते हैं जी जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शैलेंद्र कुमार। क्या लगता है वर्तमान में जो सरकार है वो युवाओं के लिए कुछ कर रही है? युवाओं के लिए तो बिल्कुल भी सोच नहीं रही है ये सरकार, हर परीक्षा में धांधली हो रही है, कोई परीक्षा ऐसी क्लियर नहीं हो पा रही है, तब सभी लड़के युवा ओवर एज होने जा रहे हैं और कोई भी परीक्षा इनकी सफल नहीं हो पा रही है, नहीं कोई भर्ती हो पा रही है, और जो भर्ती होती है वो दो दो साल टंगी रहती है और हर परीक्षा धांधली, हर परीक्षा कैंसिल होती जा रही है। देखिए योगी सरकार में काफ़ी युवा की जो सबसे बड़ी बात आती है कि युवा की बेरोजगारी की बहुत समस्या, और कई हमारे यहाँ पर युवा भी थे उनसे भी बात करी क्योंकि भर्तियाँ निकल रही नहीं है, युवा बेरोजगारी से परेशान है। इधर महंगाई की बात की जाए, महंगाई क्या नाम है दादा आपका? अबरार। महंगाई को लेके क्या कहेंगे आप? महंगाई तो बहुत है साहब, गरीब आदमी का जीना मुश्किल है आजकल तो। अभी सरकार के मतलब तकरीबन 4.5 साल पूरे हो चुके हैं, अब चंद दिनों में इलेक्शन आने वाला है, तो सरकार से क्या अपील करते हैं? वर्तमान में जो सरकार है उसके कार्य से खुश है? महंगाई बहुत है साहब, महंगाई गरीब आदमी कमर तोड़ दी है महंगाई। आपका क्या नाम है? सूरजपाल। सूरजपाल जी क्या कहना चाहेंगे वर्तमान की सरकार के बारे में? सिलेंडर कितने का मिल रहा है आपको? सिलेंडर 950 रुपए। उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर यहाँ पर किसी को मिला है? यहाँ कोई ऐसा परिवार है यहाँ उज्ज्वला योजना के तहत मिला है? किसी को नहीं मिला। मेरे यहाँ पे चूल्हे पे रोटी हो रही है, सिलेंडर के लिए पैसे नहीं है, सिलेंडर के लिए पैसे नहीं है, चूल्हे पे रोटी हो रही है, उज्ज्वला बिल्कुल फेल आएगी उसका। राशन तक ना मिल रहा है तो सरकार तो दो दो बार महीने में राशन दे रही है, हमें चार बार पंचायत हमारे राशन नहीं मिल रहा है, और बताओ हमारे राशन और कट गए, हमारे बाल एक महीने का वो दे रहे हैं। पंचायत बीजेपी की सबसे निकम्मी सरकार है, बीजेपी की मतलब जितना जुमला है बीजेपी उतना किसी में नहीं है, लेकिन बीजेपी की तो सरकार है ये। एक एक करके बोलेंगे तो सबकी बात रखी जाएगी। अब यहाँ पर एटा की बात की जाए तो यहाँ चार जो विधायक हैं वो बीजेपी से, उसके बाद भी यहाँ पर एटा के लोगों की सुनवाई नहीं होती भैया, कतई सुनवाई नहीं है, एक एक भी मतलब बीजेपी वाले नहीं मिल रहा वो, मतलब कहने का मतलब ये जुमलेबाज है, वायदा करते हैं ये। मैं जानना चाहूंगा, ये सरासर आरोप लगा रहे हैं कि जो बीजेपी की सरकार है वो जुमले वाली सरकार है, झूठे वादे करती है, क्या कहना? झूठे वादे करती है कोई बात नहीं, हर आदमी का अपना अपना मत है। सबसे बड़ी बात यहाँ योगी सरकार में गुंडागर्दी खत्म है, पहली बात। गुंडागर्दी की बात करते, गुंडा नौकरी नहीं दे सकती प्रत्येक व्यक्ति को, नहीं दे सकती नौकरी प्रत्येक नौकरी ना दे प्रत्येक व्यक्ति को नौकरी नहीं दे सकती, और जो योग्य है वो लग रहे हैं जो योग्य है, जो पढ़े लिखे हैं वो लग रहे हैं। हाँ एक बात मैं जरूर कहूंगा, इस सरकार में धांधली, आप कह रहे हैं कि धांधली हो रही है, मुझे बता दीजिए कहाँ धांधली। गुंडे की बात की जाती है तो यहाँ पर चंद दिनों पहले एक केस हुआ था संदीप गुप्ता जी का, उनके सरेआम लूट उनकी जो की गई थी, मैं उसका जवाब दूंगा। गोली मारी गई उनके ही रिश्तेदार ने, उनका ही एक रिश्तेदार है जो भी है, योगी जी ने साफ कह दिया है, जो अपराध तो रुकेंगे नहीं, पहली बात अपराध होंगे नहीं रुकेंगे, योगी जी तो कहते हैं गुंडा मुक्त सरकार है हमारी, गुंडा मुक्त सरकार है। दूसरी बात, अगर अपराध होते हैं जहाँ भी, अपराध होने के बाद अगर वो अपराधी नहीं पकड़े जाते तब आप कह सकते हैं कि अपराधी नहीं पकड़े, अपराधी सब सलाखों के पीछे, वो जो पकड़े गए अभी किसानों के ऊपर लखीमपुर खीरी में मतलब गाड़ियाँ चढ़ाई गई, उनकी आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई है, आपको मतलब हाथरस में बेटी कांड हुआ वहाँ भी आज सुनवाई नहीं हुई है। आप देखो आपको मालूम होगा, महिला सुरक्षा की बात करती है सरकार, क्या लगता है आपको आज के टाइम में जो महिला सुरक्षित नहीं है? कतई नहीं है महिला सुरक्षा, हाथरस में बेटी को जिंदा जलाया गया, मतलब रात में रेप हुआ उसके बाद में वहाँ पे जाके रात में अधिकारियों ने उसे मतलब
जलवा दिया गया। यहाँ पर कुछ और लोग हमारे साथ हैं, आप यहीं के रहने वाले क्या? मैं साहब ऑटो वाला हूँ, मैं गांव-गांव जाता रहता हूँ और गांव-गांव भी देखता हूँ, मैं ऑटो चलाता हूँ। हर गांव में आरसी सुविधा और रोड आरसी हर गांव में आरसी की सुविधा अच्छी है और रोड की व्यवस्था भी अच्छी है। हर इंसान को राशन है कि गड्ढा मुक्त राशन नहीं मिलता, उस दिन अखबार में देखा था मैंने, हर इंसान को राशन मिल रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। मतलब कोई कास्ट का हो, पहले क्या था, पहले का उसूल ये था कि गरीबों को हाई कास्ट वालों को राशन नहीं मिलता था, अब हर इंसान को राशन की व्यवस्था अच्छी है। हर इंसान को राशन की व्यवस्था, पत्थर आ रहा है, नमक में पत्थर निकला है बिल्कुल, मैंने भी देखा है, नमक में पत्थर आ रहा है, पत्थर आ रहा है, उसे चेक कर करके देखो। कहना चाहेंगे फ्री में राशन दे रही है, उसमें मिट्टी नमक कंकड़। आप पत्थर की बात कर रहे हैं, पत्थर आप लेके आइए तुरंत, आप उसको तुरंत सूचित करिए सरकार को या अधिकारियों को, आपने क्यों नहीं किया, सरकार को सूचित करिए पत्थर आ रहा है। आजकल फेसबुक मीडिया हमारा आप कर सकते हैं, हमारा जो उत्तर प्रदेश का जो लोग हैं वो इतने पढ़े लिखे नहीं है, माना जाए कि ये कहाँ पर कंप्लेंट करें इनको ये नहीं पता, कहाँ मैं बताता हूँ कंप्लेंट के लिए फेसबुक व्हाट्सएप तो हर प्रत्येक व्यक्ति चलाता है, अगर कोई उस नमक से कोई ट्रेजडी हो जाती है तो इसकी जिम्मेदार कौन हो? सबसे पहले सरकार। रुकिए, मैं उसका आपका खंडन करता हूँ। पहली बात, आप अगर नमक में कोई गलती निकल रही है, सरकार तो नहीं बना रही, वेंडर बना रहे हैं। सुनो, नमक अभी मंगाओ यहाँ पर घोलो उसको, उसमें जो निकलेगा पदार्थ वो इन्हें टेस्ट कराएंगे, कंप्लेंट कराइए, पता चल जाएगा आपको। नहीं कैसा क्या, तो फिर अगर जब बात नहीं है तो इस तरीके की चीज हो जाए, चोरी हो जाए तो आप कंप्लेंट कराएंगे? यस एंड नो, पहले जवाब दीजिए आप। कराएंगे तो आपने नमक की कंप्लेंट क्यों नहीं कराई? सरकार में इतना भ्रष्टाचार है उसकी कोई सीमा नहीं है। मतलब अलीगंज में कांड हुआ, सरेआम गोली मारी अलीगढ़ में उन्होंने, बाकी मार ये वो क्यों मारोगे? मैं भाई चिकन मोहल्ला हूँ, बाल किशन मोहल्ला हूँ, सूरजपाल मेरा नाम है, समझे आप, मैं उसी मोहल्ले में रहते। हम राज्य की जगह पर रावण राज चल रहा है यहाँ पे, रावण राज्य है, एक नंबर का रावण राज्य है बिल्कुल। यहाँ के लोगों की अलग अलग मत है कि सरकार जो वर्तमान में सरकार है उसका रावण राज्य, कई लोग सरकार के कार्यों से खुश हैं। तो कल फिर मुलाकात होगी नए जनपद के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, प्ले स्टोर पर जाकर KIA न्यूज ऐप डाउनलोड करना मत। आखिर कितना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक दिन का खर्च? सिंधिया परिवार की संपत्ति के बारे में जानकर अंबानी और अडानी के भी होश फाख्ता हो जाएंगे। क्या आप जानते हैं कि RBI पुराने और कटे फटे नोटों का क्या करता है, और अगर अंतरिक्ष में किसी अंतरिक्ष यात्री की मौत हो जाए तो उसकी डेड बॉडी के साथ क्या किया जाता है? ऐसे ही इंटरेस्टिंग और मजेदार फैक्ट्स और न्यूज पढ़ने के लिए KIA न्यूज ऐप डाउनलोड।